हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सवेरा ग्राफिक्स में, जहां पे आपको ग्राफिक डिजाइनिंग एंड पोस्ट प्रोडक्शन से रिलेटेड ट्यूटोरियल्स एंड प्रीमियम रिसोर्स को आपके लिए फ्री में दिया जाता है। अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को प्री वेडिंग से रिलेटेड एल्बम की नए डिजाइन शेयर कर रहा हूँ और साथ ही इसकी PHD फाइल को भी आपको दे रहा हूँ और भी बिल्कुल फ्री है। इन सब फाइल की कीमत अलग अलग चैनल और वेबसाइट पर लोग हज़ारों में चार्ज कर रहे हैं, लेकिन मैं आप सभी को ये फाइल फ्री में दे रहा हूँ, तो इसके लिए तो एक लाइक बनता है। तो चलिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। फाइल की डाउनलोडिंग लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और अपने क्लाइंट के लिए यूज कर सकते हैं। हमेशा की तरह इस फाइल की पासवर्ड भी वीडियो में दिया हुआ है, क्योंकि ये फाइल पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। सो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा ताकि आपको फाइल की पासवर्ड मिल जाए और कोई परेशानी ना हो। अब फाइल को डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद इस फाइल पे करेंगे राइट क्लिक एंड देन क्लिक करेंगे एक्सट्रैक्ट फाइल। फिर आपसे पासवर्ड मांगेगा, तो आपको वीडियो में जो पासवर्ड दिया गया है उसे बिना किसी स्पेस के कैपिटल लेटर में पासवर्ड को फिल करना है और ओके पर क्लिक कर देना है। फिर आपका ये फाइल अनजिप हो जाएगा। अनजिप होने के बाद फाइल पे करनी है डबल क्लिक, फाइल को करनी है ओपन। आपको यहाँ पे 15 टोटल PHD फाइल देखने को मिलेगी, टोटल क्रिएटिव PHD फाइल मिलेगी देखने को, और साथ ही आपको एक PDF भी मिलेगी जो कि एल्बम की डेमो फाइल है। इन सभी फाइल में से मैं एक फाइल को फोटोशॉप में एडिट करके आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले एडिट करने के लिए इस फाइल पर डबल क्लिक करके फोटोशॉप में इस फाइल को ओपन कर लेनी है। यहाँ पे हमारी जो फाइल है वो ओपन हो चुकी है। उसके बाद इस PHD में देख सकते हैं कि हमें कितने इमेज की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे 1, 2, 3 और 4 इमेज की ज़रूरत पड़ेगी। एक तो मेरा ये लेयर मास्क हो गया, जहाँ पे लिखा हुआ है कि इम्पोर्ट योर इमेज। दूसरा हो गया ये रेक्टेंगल शेप, मतलब टोटल मेरे पास 3 रेक्टेंगुलर शेप है और एक लेयर मास्क है, यानी कि मेरे को इस PHD पे 4 इमेज का वर्क है। तो जैसा कि ये जो PHD मैंने दिया है वो प्री वेडिंग के लिए है, तो सबसे पहले मैं अपने सिस्टम से 4 इमेज को इम्पोर्ट करूँगा। इसके लिए इमेज फोल्डर को ओपन कर लेना है और 4 जो इमेज है उसको इम्पोर्ट कर लेना है, यानी कि ओपन कर लेना। तो मैं ये 4-5 इमेज जो है इसको ओपन कर लेता हूँ। फोटोशॉप में हमारी जो इमेज है वो हो चुकी है ओपन। अब इसके बाद हमें एल्बम पे क्लिक करना है। अब जो भी इमेज है हमको लेयर मास्क पे क्लिक करनी है, तो जिस इमेज को भी हमें लेयर मास्क पे क्लिक करनी है उसको करेंगे पहले बैकग्राउंड को अनलॉक, उसके बाद कंट्रोल सी की हेल्प से करेंगे कॉपी। कॉपी होने के बाद फिर से जाएंगे हम बैक अपने PHD एल्बम पे और कंट्रोल वी से कर देंगे पेस्ट। पेस्ट होने के बाद कंट्रोल टी की हेल्प से इस इमेज को अपने मास्क पे अकॉर्डिंग करेंगे एडजस्ट। एडजस्ट हो जाने के बाद अपने लेयर पे जो करेंगे राइट क्लिक और क्लिक करेंगे गेट क्लिक मास्किंग पे, अपने अकॉर्डिंग इसको कर लेना है एडजस्ट। अब यहाँ पे बैक साइड में देख सकते हैं कि लेयर मास्क जो है वो हमें अभी भी दिख रहा है। तो सबसे पहले रेक्टेंगल टूल को चूज करेंगे, उसके बाद में थोड़ा सा ड्रैग करके इस जो एरिया है लेयर की उसको सिलेक्ट करेंगे। एडिट पे क्लिक करके करेंगे कंटेंट अवेयर क्लिक, ओके कर देना है। ये जो बैक साइड में जो दिख रहा था वो हो जाएगी फिर। सेम प्रोसेस में ये इस साइड वाली जो एरिया है इस पर भी क्लिक करके एडिट पे क्लिक करके कर देना है कंटेंट अवेयर ऑन। इसके बाद बचे हुए 3 फ्रेम के लिए भी हमें करना है, बचे हुए 3 फ्रेम में भी हमें करना है फोटो को क्लिकिंग। तो सेम प्रोसेस को अपनाएंगे। सबसे पहले हमें फ़ोटो पे क्लिक करना है। फ़ोटो पे क्लिक करने के बाद इस लेयर को है अनलॉक कर लेना है। अनलॉक करने के बाद फ़ोटो को करेंगे कंट्रोल सी के हेल्प से कॉपी एंड वापस बैक जानी है अपने PHD फाइल पे, कंट्रोल वी से कर देंगे पेस्ट। उसके बाद फिर से लेयर पे राइट क्लिक करके कंटेंट ए क्रिएट क्लिपिंग मास्किंग पे क्रिएट कर देना है और कंट्रोल टी के हेल्प से अपने इमेज को कर लेना है एडजस्ट। सेम प्रोसेस फिर से आप दोनों फ्रेम के लिए अपने करेंगे, कंट्रोल सी के हेल्प से करेंगे कॉपी एंड कंट्रोल वी के हेल्प से कर देंगे पेस्ट इसको। यहाँ पे फिर से राइट क्लिक करके करेंगे क्रिएट क्लिपिंग मास्किंग पे क्लिक, ये जो है हमारी फोटो इस फ्रेम में एडजस्ट हो जाएगी। अब आपके प्री वेडिंग एल्बम पूरी तरह से डिजाइन हो चुकी है और काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही है। फाइनली आज की वीडियो के लिए बस इतना ही।
आप इन सभी फाइल को डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से डाउनलोड कीजिए और अपना सजेशन हमें कमेंट कीजिए ताकि आगे भी आपके यूज के अकॉर्डिंग रिसोर्स और ट्यूटोरियल्स को मैं अपलोड कर सकूँ। जाते जाते इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।